हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्णा वर्धन चैनल। मैं हूं आर्णा की मामा और आज हम लोग क्लास करेंगे ओ साउंड वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ओ साउंड जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? ओ, ओके। ओ साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कैसे करेंगे हम लोग? ओ करेंगे। तो जैसे डी ओ जी डॉग, जैसे ओ जी आया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑग। तो उसमें उसके आगे हमने डी लगाया है तो क्या हो जाएगा ये? डी ओ जी डॉग। एफ ओ जी फॉग। एच ओ जी हॉग। ओके, उसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जैसे सी ओ डी, यहाँ पर ओ डी है जिसको हम लोग कहेंगे ऐसे ऑड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सी लगाया हुआ है तो इसका साउंड क्या होता है? सी का साउंड क होता है। तो सी ओ डी कॉड, पी ओ डी पॉड, जी ओ डी गॉड। ओके, तो जो ओ है, ओ साउंड वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? इसका साउंड ओ। ओके, तो यहाँ पर डॉग, फॉग और हॉग है, ये राइमिंग वर्ड्स है, एक जैसे शब्द हैं ये, और कॉड पॉड एंड जो गॉड है ये भी एक जैसे शब्द हैं। तो बच्चों को कभी भी एक ही वर्ड पूरा लिखने के लिए आप ना दें, अदरवाइज बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, थक भी सकते हैं और उन्हें लिखने में बोर हो जाएंगे, वो मन नहीं करेगा लिखने का। इसलिए उनको डिवाइड करके ही आप दीजिए। जैसे डॉग, फॉग, हॉग लिख दिया, एक जैसे ही वर्ड हैं, उसी में मैंने थोड़ा सा अलग करते हुए वो साउंड वर्ड्स वाले ही मैंने लिखे हैं, जैसे सी ओ डी कॉड पॉड एंड गॉड। और बीच में ये लाइन ज़रूर आप दे दीजिए, इससे बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ इसी लाइन के अंदर लिखना है, इसी बॉक्स के अंदर लिखना है। अदरवाइज जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे और ये लाइन नहीं रहेगा तो लिखते 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 धीरे धीरे वो तिरछा चले जाएंगे, तो इससे वो उनका मिस्टेक हो जाएगा और राइटिंग हैबिट बिगड़ जाएगी। तो हमें राइटिंग हैबिट सुधारना है। मैंने भी आर्णा को इसी तरीके से शुरुआत में ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था और आज वो बहुत अच्छा लिखती है, अपने स्कूल में भी वो अच्छा कर रही है धीरे धीरे। ओके, मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कराइएगा अपने बच्चों को। ओके, बाय बाय।